अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्रों ने रजिस्ट्रार कार्यालय और चुंगी गेट पर लगाया ताला। एएमयू छात्रों पर किए गए मुकदमों के विरोध में एएमयू छात्र नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है। हमजा सुफियाना ने बताया कि इस मामले को लेकर छात्र नेता और छात्र इंतजामिया से बात करने रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे तो सभी अधिकारी वहां से भाग गए। कोई भी अधिकारी छात्रों से बात नहीं कर रहा है। हमजा सुफियाना ने कहा कि जब इंतजामिया छात्रों से बात नहीं कर सकता तो फिर इसकी जिम्मेदारी क्यों लेकर बैठा है। इंतजामिया से बात नहीं करने से आक्रोशित छात्रों ने रजिस्ट्रार कार्यालय और चुंगी गेट में तालाबंदी की है। छात्रों की मांग है कि छात्रों पर किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं, अन्यथा छात्र गुरुवार से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। किस चीज़ को लेकर आपने धरना किया है और किस चीज़ का आपकी एफआईआर किस चीज़ को लेकर होगी? देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग स्टूडेंट यूनियन जो होती है वो स्टूडेंट के कॉज को सामने अथॉरिटी के रखने के लिए होती है। मैं DSW साहब के पास गया था, कुछ बच्चों के हॉल ट्रांसफ़र का मामला था, तो मुझे कुछ वो रूल बताने लगे जिसका नॉलेज मेरे नॉलेज में नहीं था। मैंने उनसे कहा कि कोई भी नोटिस या रूल जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं मुझको दिखा दीजिए ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊँ। उसके बाद DSW साहब ये कहते हैं, यू हैव नो राइट टू आस्क मी अ क्वेश्चन, हु द हेल आर यू। तो इस तरीके की बात अथॉरिटी कर रही है स्टूडेंट से, जबकि जो कि खुद स्टूडेंट वेलफेयर के लिए बैठा है। उसके बाद सेक्रेटरी साहब कुछ मसाइल को लेकर कुछ बच्चों को डिबार कर दिया गया बेसलेस इंक्वायरी करके, और उसके बाद बहुत से इशूज़ थे लड़कों को, उसको लेकर रजिस्ट्रार साहब के पास गए थे। उन्होंने भी बात नहीं कही, वो कह रहे हैं कि ऐसा है मैं अभी बात नहीं कर पाऊँ, कुछ कॉन्फिडेंशियल वर्क कर रहा हूँ, आप बात करें। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर जितनी भी अथॉरिटी हैं उनके लिए स्टूडेंट्स के ग्रीवांसेस सुनने के अलावा भी उससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट कोई काम हो सकता है। इन इशूज़ से लेकर हम लोगों की अथॉरिटीज से बहस हुई, उसके सिलसिले में रजिस्ट्रार साहब के साथ जो सेक्रेटरी साहब का इशू हुआ था उस पर FIR करा दी गई है। सरकारी काम में बाधा और बहुत से धाराएं उसमें लगाई गई हैं, और DSW साहब के साथ जो मेरी बहस हुई थी उसमें मुझे सस्पेंशन ऑर्डर पकड़ा दिया गया। पूरी तानाशाही का एक माहौल बना दिया गया है कि अगर आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो आपको इस यूनिवर्सिटी से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। जिसका कुल मिला के मतलब ये कि जो भी फरमान ऊपर से हमारे लिए आ रहा है उसको चुपचाप मान लें, उसके खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आप कार्रवाई। सर, इसलिए कार्रवाई आपके जो FIR हुई है ये रजिस्ट्रार ऑफिस में ताला लगाने को लेकर हुई है या किसी और बात? नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस में ताला लगाने को नहीं हुई है। जो रजिस्ट्रार साहब कह रहे थे कि तुम बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ आ गए हो, मैं कॉन्फिडेंशियल वर्क कर रहा हूँ, उसमें उनसे बहस हो गई, उनको हटाया नहीं गया, वो खुद वहाँ से चले गए थे, उनको किसी ने नहीं कहा वहाँ से जाने के लिए। उसके बावजूद खुद अपनी मर्जी से वहाँ से गए, उसके बाद उन्होंने सरकारी काम में बाधा का आरोप लगा दिया हमारे ऊपर। कितने लोगों के खिलाफ सस्पेंड ऑर्डर आए? सस्पेंशन ऑर्डर 2 लोगों के ऊपर आए और 3 लोगों के ऊपर FIR हुई। 3 लोगों पर इनके नाम पर? एक उसमें राजिक साहब हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब के ऊपर FIR हुई है, और एक शख्स और अज्ञात एक है, और मेरे ऊपर और इफ्तिखार आदि लेके हम लोगों पर सस्पेंशन। खबर जगत 24 न्यूज़, अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट।